हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि क्या फैक्टर है जो हम डिमांड पर अफेक्ट डालते हैं। डिमांड क्या होता है गाइस? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग भी है और एबल भी है एट ईच पॉसिबल प्राइस पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में। कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टैबुलर स्टेटमेंट है जो शो करती है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टैबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल है जिसमें हम शो करते हैं जो कंज्यूमर वेरियस क्वांटिटी क्या करता है, डिमांड करता है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस पर। तो डिमांड शेड्यूल इन सिंपल क्या है? एक टैबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल है जिसमें हम शो करते हैं कि कंज्यूमर जो है कितनी क्वांटिटी जो है वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस पर। प्रीवियस क्लास में यार हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें हमने पढ़ा था ऑन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी कि कॉमोडिटी का खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट डालता है डिमांड पर, कंज्यूमर के डिमांड पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो हमने पढ़ा था कि जब प्राइस क्या हो किसी भी कॉमोडिटी का इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है भाई? क्योंकि कंज्यूमर क्या है भाई, हमारा समझदार है, रैशनल है। अब प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसको सामान जो हो क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, और महंगा मिलेगा तो वो क्वांटिटी कम कर देगा। बट अगर प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देता है। कि प्राइस कम हो गया किसी कॉमोडिटी का, अब उसको वो चीज़ क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है, और सस्ती मिल रही है तो कंज्यूमर रैशनल है, वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है, और जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, वो रिलेशन आया हमारा क्या, नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन। कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। तो इसी रिलेशन को हम शो करेंगे, क्योंकि यही रिलेशन रहने वाला है। कंज्यूमर हमारा क्या है भाई, रैशनल है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो डिमांड शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो डिमांड शेड्यूल में क्या करते हैं भाई, हम एक टेबल है जिसमें शो करते हैं कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पर। अब हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि जब हम सिंगल कंज्यूमर के डिमांड की बात करते हैं, और मार्केट डिमांड मतलब कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, कि पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी क्या डिमांड है, टोटल उन सबकी क्या डिमांड है। तो डिमांड शेड्यूल भी हमारे दो तरीके के होंगे, एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कि एक कंज्यूमर की डिमांड को हम क्या करेंगे, टेबल में शो करेंगे, टैबुलर स्टेटमेंट शो करेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, एक से ज़्यादा कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट की क्या करेंगे, डिमांड शो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की एक जो कंज्यूमर है कि प्राइस जब क्या है, 5 है तो डिमांड करता है, क्वांटिटी डिमांड करता है 1। प्राइस जब 4 हो जाता है तो कंज्यूमर जो है वो 2 क्वांटिटी डिमांड करता है। प्राइस 3 हो जाता है तो कंज्यूमर 3 क्वांटिटी डिमांड करता है, और प्राइस 2 पर 4 क्वांटिटी डिमांड करता है, और प्राइस 1 पर 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अब उसको चीपर मिल रही है, सस्ती चीज़ें मिल रही है, और सस्ता सामान मिल रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, क्वांटिटी बढ़ा देगा अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लेकर चलते हैं कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, तो मानकर चल रहे हैं, हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि पूरे मार्केट में सिर्फ क्या है भाई, 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। तो कंज्यूमर ए की सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस जब 5 है तो कंज्यूमर ए डिमांड करता है 1 क्वांटिटी,
प्राइस 4 है तो कंज्यूमर A डिमांड करता है 2 क्वांटिटी, प्राइस 3 पर 3 क्वांटिटी डिमांड करता है, प्राइस 2 पर 4 क्वांटिटी डिमांड करता है और प्राइस 1 पर 5 क्वांटिटी डिमांड करता है। कंज्यूमर B की बात करें तो 5 प्राइस पर 2 क्वांटिटी डिमांड करता है कंज्यूमर B, 4 प्राइस पर 3 क्वांटिटी डिमांड करता है, 3 प्राइस पर 4 क्वांटिटी डिमांड करता है, 2 प्राइस पर 5 क्वांटिटी डिमांड करता है और 1 प्राइस पर 6 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B दोनों अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि सामान अब सस्ता मिल रहा है और कंज्यूमर हमारा समझदार है, रैशनल है। अब मार्केट डिमांड की बात करूँ तो मार्केट डिमांड क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं मार्केट में, जब हम उसकी डिमांड को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगी। तो मानकर चलते थे कि पूरे मार्केट में क्या है, सिर्फ दो ही कंज्यूमर हैं, तो इन दोनों की जब हम डिमांड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मार्केट की डिमांड निकल के आ जाएगी। कि जब प्राइस 5 है तो कंज्यूमर A डिमांड कर रहा है 1 क्वांटिटी और कंज्यूमर B डिमांड कर रहा है 2 क्वांटिटी, तो मार्केट डिमांड टोटल डिमांड क्या आएगी, कंज्यूमर A 1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर B 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 1+2 क्या हो गया, 3। ये 3 जो आया ये हमारा क्या है भाई, मार्केट डिमांड। कि जब मार्केट में क्या है 5 रुपीज़ प्राइस है तो मार्केट में टोटल जो डिमांड हो रही है वो क्या हो रही है, 3 क्वांटिटी हो रही है। 4 प्राइस पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर A 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर B 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 2+3 5 क्या आ गई हमारी मार्केट डिमांड। 3 प्राइस पर कंज्यूमर A 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर B 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 3+4 मार्केट डिमांड आ गई हमारी 7। 2 प्राइस पर कंज्यूमर A 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर B 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 4+5 मार्केट डिमांड आ गई 9 एट 2 प्राइस पर। 1 प्राइस पर कंज्यूमर A 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है और B 6 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 5+6 मार्केट डिमांड आ गई 11। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो मार्केट डिमांड भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये था हमारा क्या, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, सिर्फ हम टेबल में शो कर देते हैं कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। कि जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, जब मैं इस टेबल को प्लॉट कर दूंगी ग्राफ पर, तो मुझे वो क्या मिल जाएगा, डिमांड कर्व मिल जाएगा। अब हमने पढ़ा कि भाई डिमांड शेड्यूल दो तरीके हैं, तो डिमांड कर्व भी दो तरीके के होंगे, एक होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा होगा मार्केट डिमांड कर्व। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो आ जाएगा क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो बात करते हैं कि जब प्राइस है 5 तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 1 क्वांटिटी, प्राइस 4 है तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 2 क्वांटिटी, प्राइस 3 है तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 3 क्वांटिटी, और प्राइस 2 है तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 4 क्वांटिटी, और प्राइस 1 है तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 5 क्वांटिटी। कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। तो जो DD हमारा कर्व आया ये क्या है, डिमांड कर्व। ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को हम शो कर रहे हैं। बात करें मार्केट डिमांड कर्व की, कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर A और कंज्यूमर B इंडिविजुअली हम इसके कर्व को शो कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। तो अगर मैं बात करूं कंज्यूमर A की, कि प्राइस 5 है तो वो डिमांड कर रहा है 1 क्वांटिटी, प्राइस 4 है तो वो डिमांड कर रहा है 2 क्वांटिटी, प्राइस 3 है तो वो डिमांड कर रहा है 3 क्वांटिटी, प्राइस 2 है तो डिमांड कर रहा है कंज्यूमर A 4 क्वांटिटी, और प्राइस 1 है तो कंज्यूमर A डिमांड कर रहा है 5 क्वांटिटी। तो ये जो हमारा कर्व आया ये क्या आया, एक सिंगल कंज्यूमर A की डिमांड का कर्व आया है। बात करें कंज्यूमर B की, तो प्राइस 5 पर वो डिमांड कर रहा है 2 क्वांटिटी, प्राइस 4 पर 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस 3 पर 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस 2 पर 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस 1 पर 6 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो ये जो हमारा कर्व आया ये क्या है, कंज्यूमर B का डिमांड आया। तो ये दोनों क्या है, हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। बट अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड कर्व की, तो मार्केट डिमांड क्या होता है, कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सम्मेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। कि डिमांड कंज्यूमर A की और कंज्यूमर B की जब हम ऐड कर रहे हैं तभी हमारा क्या आता है, मार्केट डिमांड आता है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस 5 पर हमारी मार्केट डिमांड क्या है, 3,
प्राइस 5 पर हमारे मार्केट डिमांड क्या है भाई? 3। प्राइस 4 पर हमारे मार्केट डिमांड क्या है? 5। प्राइस 3 पर मार्केट डिमांड क्या है? 7। प्राइस 2 पर मार्केट डिमांड क्या है? 9। और प्राइस 1 पर मार्केट डिमांड क्या है? 11। तो ये जो हमारा कर्व आया MD, ये क्या है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जब हम हॉरिजॉन्टली समेशन करते हैं तो वो क्या आती है हमारी? मार्केट डिमांड। कि 1+2, 3 आई हमारी क्या? मार्केट डिमांड। 2+3, 5 हमारी क्या? मार्केट डिमांड। कि हॉरिजॉन्टली जब हम समेशन कर रहे हैं कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के डिमांड का। अब यहाँ पर अगर तुम देखो कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज़्यादा फ्लैटर जो है वो क्या है? मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड ज़्यादा फ्लैटर है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। ये हमारी क्या आ गई भाई? इंडिविजुअल डिमांड आ गई। अब मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा फ्लैटर क्यों होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड? क्यों होती है? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आता है ना, अगर प्रपोर्शनली मैं देखूँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व में कम चेंज आता है एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड। क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होती है? एडिशन होती है कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट के डिमांड की। तो अगर देखा जाए तो मार्केट डिमांड फ्लैटर क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं देखूँ 5 से जब मैं 4 पर आई तो प्राइस में कितना चेंज आया? 1 रुपीज़ का चेंज आया। कंज्यूमर ए की डिमांड में कितना चेंज आया? 1 से 2 में 1 क्वांटिटी का चेंज आया। कंज्यूमर बी की डिमांड में कितना चेंज आया? 2 से 3 पे 1 क्वांटिटी का चेंज आया। बट मार्केट डिमांड की अगर मैं बात करूँ 3 से 5 पर, तो चेंज कितना आया? 2 क्वांटिटी का। तो एज कंपेयर मैं देखूँ प्राइस में जो चेंज आया, तो प्रोपोर्शनली इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज़्यादा चेंज किस में आया है? मार्केट डिमांड में। तो मार्केट डिमांड इसलिए क्या होती है? फ्लैटर्ड होती है, क्योंकि प्रोपोर्शनली ज़्यादा चेंज आता है मार्केट डिमांड में एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व में। सो गाइज, ये था हमारा क्या? डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर स्टेटमेंट होता है, टेबल होती है, जिसमें हम शो करते हैं कि कंज्यूमर जो क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। दो तरीके के डिमांड शेड्यूल होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब एक कंज्यूमर के डिमांड को शो करते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल की ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट के डिमांड को शो करते हैं। मार्केट डिमांड क्या होती है? एडिशन होती है कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी के डिमांड का, कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट की डिमांड का एडिशन होती है। अगर हम बात करूँ डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का, कि जब मैं डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगी तो मेरे को डिमांड कर्व मिल जाएगा। ये भी दो तरीके के हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है हमारा आया DD है। और मार्केट डिमांड कर्व की बात करूँ तो कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी की डिमांड को जब हम हॉरिजॉन्टली समेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड ज़्यादा फ्लैटर क्यों होता है? क्योंकि प्रोपोर्शनली जो प्राइस में चेंज आ रहा है, अगर उस प्रोपोर्शन में देखूँ तो मार्केट डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। Chapter 3 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.